अब हम लोग को बहुत सारे वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट एमएससी के हर कोर्स का कट ऑफ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देख के अंदाजा लगा लोगे, जो मैं बोलूंगा उसको सुनना है इस लिखे हुए रेफरेंस के बेसिस पे। आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑलमोस्ट 9 कोर्सेज एमएससी के बीएचयू के ऑफिशियल कट ऑफ की बेसिस पे, ये अनऑफिशियल कट ऑफ, जिससे कि आप अंदाजा लगा सको कि आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बीएचयू में इस बार होने जा रही है कि नहीं। ये अंदाजा लगाना इसलिए जरूरी है जिससे कि आप अदर यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन अभी से डिसाइड कर लो। जैसे कि लखनऊ का फॉर्म फिलअप हो रहा है, अगर लगेगा कि इधर एकदम चांस नहीं बन रहा है तो लखनऊ का फॉर्म फिलअप कर देना। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज सीयूटी में भी है जो कि बहुत लो मार्क्स पे एडमिशन देता है, उन यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट मैं लेकर आऊंगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मेहनत मैं खुद कर दे रहा हूं। सो प्लीज आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे वीडियोस देखने हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपको कॉमेंट करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू 2024 एमएससी के कट ऑफ, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने कोर्सेज के, लगभग 9 कोर्सेज के। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा ये अनऑफिशियल कट ऑफ है, लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो लास्ट ईयर के ऑफिशियल कट ऑफ बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट ही बना दिया है, लेकिन ये चार्ट इतनी आसानी से आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग है, इन कोडिंग को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मेरी हर बात को ध्यान से सुनो। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एंड एसटी, ऑलमोस्ट मैं जो भी रिजर्व कैटेगरीज होती है उसकी बेसिस पे आपके कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिजर्वेशन बेसिस पे ही आपकी मेरिट आती है, कई राउंड तक आती है, लगभग 10 राउंड तक आती है, किसी में 5 राउंड तक ही आती है, किसी में 8 राउंड तक आती है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा किसमें कितने राउंड तक आती है। बहुत सारे कॉलेजेस में यानी बीएचयू के बहुत सारे कोर्सेज में एफिलेटेड कॉलेजेस भी होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मार्क्स पे इतने नंबर कम होने पर आपको एफिलेटेड मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का, ये फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, ध्यान देना, क्योंकि मैंने बहुत हाईएस्ट वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है और इसमें जो जनरल का फर्स्ट जा रहा है वो 210 यानी 210 अगर आप पाते हो, इससे ज्यादा है तो आप 95% सेफ जोन में हो। इससे अगर आपका 20 नंबर कम भी है तो भी आप सेफ जोन में रहोगे। क्लियर हो गया, तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बच्चे जो है ओबीसी का 190, ईडब्ल्यूएस का 200, एससी का 170 170 और एसटी का 120। लेकिन एसटी बच्चों को मैं एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, एक रिमार्क लगाना चाहूंगा कि आपकी कॉलिंग ऑल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि एप्लीकेंट्स आपकी कैटेगरी में कितने हैं, जनरली बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जनरल के लिए 160, ओबीसी के लिए 140, EWS के लिए 150, SC के लिए 120 और ST के लिए 100 या ऑल कॉलिंग। ठीक है, ये राउंड है थर्ड, अगर मैं यही इसके कंपैरिजन में लिख देता तो लगभग ये भी फर्स्ट राउंड हो जाता, लेकिन ये थर्ड राउंड तक घटके इतना जाएगा, यानी कि आप इतने मार्क्स भी ले आए हो तो एडमिशन की पॉसिबिलिटी 80% से ज्यादा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब एमएससी फिजिक्स जा रहे हैं डिस्कस करने, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूं, केमिस्ट्री के बच्चे जो है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एमएससी केमिस्ट्री का, वहां से उसको देख सकते हैं। अब फिजिक्स का जनरल ये थर्ड राउंड कट ऑफ में लगभग इतने मार्क्स पे जाने की संभावना है, ये आउट ऑफ 300 पे डिस्कस कर रहा हूं, मैं कितने पे डिस्कस कर रहा हूं, 300 पे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपका पेपर इस बार 300 का था। अब मैं फिजिक्स का डिस्कस कर रहा हूं, जनरल के लिए 170, ओबीसी के लिए 150, ईडब्ल्यूएस के लिए 160 और एससी के लिए 130 और 100 या ऑल एसटी कैटेगरी के लिए, ये राउंड 3 तक जाएगा लगभग। तो कहने का मतलब ये है कि इससे ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इतने तक है तब आराम से आप सेफ जोन में हो, लेकिन इससे अगर कम है तो आप बस 5 या 6 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर कम करके ही अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर का फर्स्ट राउंड, ध्यान देना ये मैंने बहुत हाईएस्ट वैल्यू लिखी है तो इसका मतलब ये फर्स्ट राउंड होने जा रहा है एमएससी एग्रीकल्चर का। ठीक है, जनरल के लिए 200 अप्रॉक्स 200 प्लस होना चाहिए, ओबीसी के लिए 180 होना चाहिए, पीडब्ल्यूएस 190 प्लस होना चाहिए, 150 एससी और 120 प्लस एसटी के लिए होना चाहिए, ये है एमएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट और सेकंड। अगर इसमें आप 20 नंबर भी कम कर दे तो भी आप सेफ जोन में हो, कहने मतलब ये है कि अगर आप 180 भी जनरल हो के पाए हो, 170 तक भी जाते हो तो आप उम्मीद रखना, क्योंकि इसके एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं।
फोरेंसिक साइंस, कल जब मैं लाइव आया था, आजकल मैं डेली शाम में लाइव आऊंगा, ठीक है, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आके मेरे लाइव सेशन में डायरेक्टली पूछ सकते हो फोरेंसिक साइंस। और अब यहां से जो कोर्सेज है इसकी कल बहुत सारे बच्चों के मैसेज मुझे मिले इंस्टा आईडी पे, मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो निर्दर्शक, ठीक है, तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। 150, लेकिन ये थर्ड राउंड है, ध्यान देना, ये मार्क्स मैंने बहुत कम लिखा है, कहने का मतलब यह है कि इससे 5 नंबर 10 नंबर ही कम कर रहा है, इसके बाद एडमिशन पॉसिबिलिटीज आपके 50% से कम हो जाएगी, लेकिन इस वैल्यू और इस वैल्यू के ऊपर अगर आपका मार्क्स है तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज लगभग 90% बीएचयू में है। जनरल के लिए 150, ओबीसी के लिए 130, ईडब्ल्यूएस के लिए 140, 100 एससी एंड 90 फॉर एसटी कैटेगरी के लिए पॉसिबल है। सेम यहां पे मैं इन्वायरमेंटल साइंस का भी लिख रखा हूं, सेम एज इट इज फोरेंसिक साइंस वाला ही थर्ड राउंड में कंसिडर हो जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस फॉरेंसिक साइंस का सेम मार्क्स आप लोग कंसिडर कर लेना, अगर कोई बच्चा इन्वायरमेंटल साइंस का है तो आप लोग सेम यही वाला आप देख लो, ठीक है, लेकिन थर्ड राउंड में, यानी इस मार्क्स से ऊपर है तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड में नहीं, लेकिन थर्ड फोर्थ तक आने की संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ 170 फॉर जनरल, 150 फॉर ओबीसी, 160 फॉर ईडब्ल्यूएस, 130 फॉर एससी एंड एसटी के लिए 100, ये मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिखा है। कौन सा राउंड कट ऑफ है? सेकंड राउंड कट ऑफ है ये, यानी ये मार्क्स आपको पहले में तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड थर्ड में जाते जाते पॉसिबिलिटीज है इस मार्क्स से, यानी ये जो मार्क्स है ध्यान से देख लो, ये मार्क्स इससे आपको 10 से 15 नंबर ही कम करके अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटी चेक करनी है, या इस नंबर से ऊपर आपका मार्क्स है तो लगभग 90% सेफ जोन में आपका एडमिशन बीएचयू कंप्यूटर साइंस में होने जा रहा है। अब यहां पे है जूलॉजी एंड बॉटनी, लास्ट टू है, तो लास्ट टू में देखता हूं, लास्ट सेकंड 180, ध्यान देना है सेकंड राउंड कट ऑफ है, ऑलरेडी मैंने बहुत हाईएस्ट वैल्यू लिखा हुआ है, जनरल 180, 150 ओबीसी के लिए, 170 ईडब्ल्यूएस के लिए, और 120 एससी के लिए, और यहां पे 90 है आपके एसटी के लिए, ध्यान देना है सेकंड राउंड कट ऑफ, यानी इससे आप लगभग 20 नंबर भी कम करके देख सकते हो, 30 नंबर कम के भी करके भी देख सकते हो अपने आप को, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हो, बाकी जब फाइनल आपका अभी तो आंसर की का मार्क्स है, इसमें आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, जब फाइनल आंसर आएगा तो हम लोग फिर से कट ऑफ डिस्कस करेंगे। बॉटनी के लिए लगभग 190 सेकंड राउंड कट ऑफ, 170 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस 180 और एससी के लिए, एससी के लिए 150 और एसटी के लिए 100। अब यहां पे बहुत से बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे बीएचयू से अपना यूजी किए हुए, अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बीएचयू कोटा के बारे में। देखो पहली बात तो मुझे बीएचयू कोटा को लेके कई सारे बच्चों के स्पेशल मैसेज मिले हुए हैं कि सर बीएचयू कोटा कैसे अप्लाई करते हैं, ये फॉर्म के टाइम ही अप्लाई होता है, बीएचयू कोटा फॉर्म के टाइम ही अप्लाई होता है, और आपको लगभग कोर्स के वाइज डिपेंड करता है सीट कितनी है, कभी कभी सुनने में आता है 15 कभी 25, मैं इसको 15 से 25 पूरा एक स्केल पे ले ले रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से रिजर्व सीट होती है, लेकिन ये जो सीट होती है ध्यान देना, यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने